विद्यार्थी परिषद इकाई सेंज ने विभिन्न संगठनों को साथ लेकर रक्तदान किया, जिसमें सभी ने मिलकर 40 यूनिट ब्लड डोनेट किया, और जिसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 15 यूनिट ब्लड डोनेट किया, और सभी 18 से 45 वर्ष के सभी युवाओं ने टीकाकरण से पहले रक्तदान करने का आग्रह किया है, और जिसमें इस महामारी के दौर में समाज से एक सकारात्मक वातावरण बनाने का भी सभी से आग्रह किया है। न्यूज प्लस के लिए कुल्लू से दीपिका मल्होत्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रशांत नेगी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू विभाग संयोजक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज देश में कोरोना संकट किस प्रकार है, इसी बीच जो है भारत सरकार ने 18 से 45 वर्ष के युवाओं को वैक्सीनेट करने का निर्णय लिया है। यदि 18 से 45 वर्ष के सभी वो वैक्सीन करते हैं तो हमारे अस्पतालों में रक्त की भारी कमी होगी। इसी बीच विद्यार्थी परिषद ने इस स्थिति को देखते हुए टीकाकरण से पहले रक्तदान का एक अभियान चलाया, जिसमें विद्यार्थी परिषद समाज व अपने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि सभी कार्यकर्ता टीकाकरण से पहले रक्तदान जरूर करें। तो इसी बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सेंज इकाई ने आज विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता